हनुमान को देखा है? हाँ देखा है, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊँ? हाँ ठीक है। भी गौरी गोपाल भगवान जी को देखा, आपने भी देखा, बिहारी जी को आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो आप बिहारी जी का दर्शन किए कि नहीं बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये है, पहले बताओ बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आपने? हाँ कर लिया। तो फिर वो कौन है? भगवान। फिर आपने क्यों कहा कि आपने देखा? आपने भी तो देखा भगवान को। हाँ हाँ, यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ। बात कराओ। कराऊंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके। मैंने जयपुर की कक्षा में ये पूरा प्रोसेस बताया था कि आप भगवान से बात करने के इच्छुक हैं तो आपको भगवान बात भी करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले भगवान से रोज कहना है, हे श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम। शरणम मम। हे प्रभु। हे प्रभु। आज मुझे सपने में अपना दर्शन दीजिए। अपना दर्शन दीजिए। रोज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना, हे प्रभु आज मुझे आपका दर्शन करना है, आज मुझे आपसे बात करनी है। रोज भगवान को कह करके सोइए, एक ना एक दिन सपने में बहुत जल्दी आकर के ठाकुर जी आपसे बात भी करेंगे। जी, ये डॉक्टर जाकिर साहब से सवाल पूछा जा रहा है, तो देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है तो ईश्वर यहां पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उसकी उम्र 49 ईयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहां मौजूद है, सब जगह मौजूद है और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। पहला चीज, हम ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है, जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है? ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं? जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान में जिन्हें फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मैं एक झलक दिखा, मेरे पूरे अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब एक झलक दिखाते उस पहाड़ को, उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते, पहाड़ को देखे, ईश्वर को देखे, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वज देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहे, इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। और मैं मिसाल पेश करूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा कि एक शख्स आके एक नेक इंसान से पूछते हैं कि ये तलवार है और
मैं तलवार से आपका हमला करूंगा, मैं इस तलवार से आप पर हमला करूंगा। आपका अगर ईश्वर है तो आपको बचा ले। पहले दरखास्त होती हूं आदमी से कि अगर ईश्वर है तो आप हमला करो और मुझे बचाओ। तो ये धार्मिक इंसान कहते हैं कि आप मुझ पर हमला करो और अगर ईश्वर है तो मुझे बचाएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है इस मिसाल से कि जरूरी नहीं अगर मौजूद है तो वाकई बचाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जाहिर करना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। तो ये तरीका है कि जाहिर होना देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि हिंदू पंडित ने क्या जवाब दिया और इसी का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या दिया। हिंदू पंडित ने कहा कि हम खुदा को देखते हैं, उसकी रोज पूजा करते हैं मुख्तलिफ मूर्तियों की सूरत में। सोने से पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ख्वाब में उनकी भगवान के साथ बात हो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसका जवाब दिया कि खुदा अर्श पर है, जर्रे जर्रे में नहीं। अलबत्त खुदा की ताकत हर जगह मौजूद है, वो जर्रे जर्रे में मौजूद है हर चीज़ पर। कोई चीज़ उसकी ताकत से बाहर नहीं, उसके इख्तियार से बाहर नहीं। और ना कोई खुदा से बात कर सकता है और ना किसी में इतनी ताकत है कि वो खुदा को देख सके। सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने खुदा से बात की, लेकिन वो भी पर्दे में। उन्होंने खुदा को जब देखने की ख्वाहिश जाहिर की, किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो खुदा को देख सकें। अलबत्ता जन्नत में जाने के बाद खुदा इतनी इंसान को वो ताकत दे देंगे जिससे इंसान खुदा को देख सके, लेकिन दुनिया में ये मुमकिन नहीं। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।